वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं मंगल प्रदोष व्रत की कथा। इसे भौम प्रदोष के नाम से भी जाना जाता है। प्रदोष का व्रत हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष का व्रत किया जाता है। जिस दिन जो प्रदोष का व्रत पड़ता है उस दिन के नाम से उसे जाना जाता है। इस बार मंगलवार दिन होने के कारण इसे मंगल प्रदोष के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती, शिव परिवार साथ में हनुमान जी का भी पूजन किया जाता है। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल के समय में भगवान शिव, माता पार्वती का पूजन किया जाता है। प्रदोष काल का समय यह सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और सूर्यास्त के 72 मिनट बाद का समय यह प्रदोष काल का समय होता है। इसी दौरान भगवान शिव, माता पार्वती और शिव परिवार का पूजन किया जाता है। इस बार प्रदोष का व्रत 2 नवंबर 2021 दिन मंगलवार को किया जा रहा है। इस दिन त्रयोदशी तिथि होने के कारण इस दिन धन त्रयोदशी है और धनतेरस है। धनतेरस के दिन कुबेर देवता साथ में माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। कार्तिक मास में होने के कारण इस व्रत का और भी ज्यादा महत्व बढ़ जाता है। कार्तिक मास में गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व बताया गया है। इन दिनों भगवान श्री हरि विष्णु का भी पूजन करना लाभकारी माना जाता है। तो इस बार का प्रदोष का व्रत यह अनंत गुना पुण्य फलदायक है, क्योंकि इस दिन धनतेरस भी है, कार्तिक मास भी है और प्रदोष का दिन भी है। तो यह दिन बड़ा ही पुण्यदायक है। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और सबसे पहले भगवान सूर्य देव को अर्घ प्रदान करना चाहिए, क्योंकि भगवान सूर्य देव सभी प्रकार के आरोग्य को प्रदान करने वाले हैं। उसके बाद फिर इस दिन सुबह और शाम के वक्त भगवान शिव, माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। जहाँ तक हो सके जो भी आप पूजन कर रहे हो, धर्म कर्म का कार्य करें, पूजन करें, दान पुण्यों का कार्य करें, तो यह बड़ा ही लाभकारी होता है। और शाम के समय में प्रदोष व्रत का पूजन करें। धनतेरस है तो इस दिन सोने और चांदी की भी खरीदारी करते हैं और इससे लाभ की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं मंगल प्रदोष व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, हनुमान जी महाराज की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक नगर में एक वृद्धा निवास किया करती थी। उस वृद्धा के मंगलिया नामक एक पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी के ऊपर बड़ी गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना किया करती थी। उस दिन वह तो ना घर लीपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। वृद्धा को व्रत करते हुए अनेकों दिन बीत गए। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का वेश धारण करके वहां पर आ गए और उसे पुकारने लगे कि है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। पुकार सुनकर वृद्धा बाहर आई और बोली कि आज्ञा महाराज। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूंगा, तू थोड़ी जमीन लीप दे। इस पर वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली कि हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दे, मैं उसे अवश्य ही पूर्ण करूंगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा कि तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। अब तो वृद्धा के पैरों तले मानो धरती खिसक गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने मंगलिया को बुलाकर साधु के सुपुर्द कर दिया, मगर साधु रूपी हनुमान जी ऐसे ही नहीं मानने वाले थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा कि मंगलिया को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बहते आंसुओं को पोंछकर बोली कि उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट न पहुंचाओ। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने मंगलिया को आवाज लगाई। पुकारने की देर थी, मंगलिया दौड़ा दौड़ा आ पहुंचा। मंगलिया को जीवित देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। साधु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए।
हनुमान जी को अपने घर में देख वृद्धा का जीवन मानो सफल हो गया। सूत जी बोले, प्रदोष व्रत में इस दिन भगवान शंकर, माता पार्वती और जो हनुमान जी रुद्र अवतार हैं, उनकी पूजा करते तो भगवान उनके सभी मनोरथ को पूर्ण करते हैं और साक्षात दर्शन देकर उन्हें कृतार्थ करते हैं। बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जो भी प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें इस दिन दिन भर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करना चाहिए। विशेष करके पूजन काल के समय में इस दिन जप करना चाहिए। दिन भर व्रत उपवास रहते हुए प्रदोष काल के समय में इस व्रत को करना चाहिए। इस दिन पूजन के लिए प्रदोष काल से कुछ पूर्व ही स्नान करके सफेद वस्त्र धारण करके और फिर भगवान शिव के मंदिर में, नहीं तो घर पे कर रहे हो तो घर पे ही एक अच्छा सा जगह लेकर के उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ पे एक चौकी लगा करके चौकी पे वस्त्र बिछा करके वहाँ पे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का फोटो या प्रतिमा रख करके पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या खोटोपचार पूजन विधि के द्वारा पूजन करना चाहिए। साथ में हनुमान जी का भी पूजन करना चाहिए। किसी भी व्रत या पूजन में सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। भगवान गणेश सभी प्रकार के विघ्नों को हरने वाले हैं और अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। तो सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करें, भगवान गणेश का पूजन करें, उसके बाद फिर कलश आदि बिठा रहे हो तो कलश पूजन करें। रात्रि में पूजन करते हैं तो रात्रि में गणपति आदि पंचदेवता का पूजन करें। दिन में करते हैं तो दिन में सूर्यादि पंचदेवता का पूजन करें। नवग्रह इंद्रादि दस्तिकपाल देवता का पूजन करें। उसके बाद हनुमान जी महाराज का पूजन करें। उसके बाद शिव परिवार का पूजन करें और अंत में शिव और माता पार्वती का पूजन करें। भगवान भोलेनाथ ही एक ऐसे देव हैं जो कि अपने भक्तों के ऊपर थोड़े से जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपना कृपा बरसाते हैं। भगवान भोलेनाथ का जल से अभिषेक करें, उनके ऊपर पंचामृत चढ़ाएं, शुद्ध गंगा जल चढ़ाएं, उन्हें बिलपत्र, भांग, धतूरा, शमी पत्र आदि भगवान को अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार अर्पित करें, पाद द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी फल तांबूल अर्पित करें। इसी प्रकार से माता पार्वती का पूजन करें। माता पार्वती को इस दिन जल से स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं, शुद्ध गंगा जल चढ़ाएं। उसके बाद माता को वस्त्र अर्पित करें, श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें, फिर अक्षत, चंदन, पुष्प, पुष्पों की माला माता पार्वती को अर्पित करें। महिलाएं माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं और पुरुष माता पार्वती को चंदन चढ़ाएं। उसके बाद धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अर्पित करें। उसके बाद द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी फल तांबूल अर्पित करें। इसके बाद फिर व्रत का कथा श्रवण करें और फिर भगवान की आरती करें। प्रदोष व्रत का पारण अगले दिन जा करके सूर्योदय के बाद इस व्रत का पारण किया जाता है। तो आइए जानते हैं प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। प्रदोष का व्रत हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष का व्रत किया जाता है। तो त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय 2 नवंबर 2021 दिन मंगलवार सुबह 11:33 और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति होगी 3 नवंबर 2021 दिन बुधवार सुबह 9:03। इस दिन सूर्योदय सुबह 5:58, सूर्यास्त शाम 5:08, चंद्रोदय रात्रि 2:59, चंद्रास्त दोपहर 3:34। इस दिन योग वैधृति योग शाम 6:09, उसके बाद विश्वकुंभ योग नक्षत्र इस दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 11:45 तक। उसके बाद हस्त नक्षत्र इस दिन राहु काल का समय दोपहर 2:20 से दोपहर 3:44 तक। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।